सभी को। सबसे पहले आज मैंने मॉर्निंग से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। 6:30 में कुंज को छोड़ने बस स्टॉप पर गई थी और मंदिर के सामने ही हम वेट करते हैं इसकी बस का। तो कुंज की जैसे ही बस आ गई थी तो कुंज चले गए थे स्कूल के लिए। फिर मैंने घर पे आके वही सब सुबह का काम किया, नहाना धोना, और फिर इसके बाद हम जा रहे थे कहीं। तो आप आके ब्लॉग पर देखिए मम्मी। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करो। अपना फोन पकड़ो, ऐसे पकड़ के ऐसे आगे करो, साइड से पकड़ो, थोड़ा सीखो। हाँ बोलो। हेलो गाइस, 21-22 ये भगवान ऐसे बोलो। अभी हम यहाँ जा रहे हैं, हमारा रोज का अपने मकान में जाओ और आओ, जाओ आओ, और आगे की अपडेट देते रहो आप सभी को। आज किचन में एक सिंक लगा होगा और उसी को देखने जा रहे दोनों, उसी को, और सीढ़ी तो कल दिखा दी होगी इसने कल परसों के ब्लॉक में। आज बिजली की शाइनिंग देखो कैसे, आपका फेस का सारा देखो और ऊपर आप करो। हाँ ये अभी सबको दिखाना वाले ले, ले मेरा हाथ पठाएगी ले, 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 ले। पकड़ थक गई मैं, आप ही बनाओगी इतने में ही पटा गई मम्मी। ये लाइटिंग का काम स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे भैया आए हमारे लाइट लगाने मस्त। और किचन वाले कब आ रहे हैं? किचन अभी आने वाले भैया, इसमें भी पुट्टी लगा देना। हाँ हाँ मम्मा, अगर इसमें टाइल नहीं लगती है तो इसमें हम लगा सकते हैं पुट्टी। हाँ ये सिंक भी लग चुका है, पीछे भर जाएगी तो ये ऐसे करके इसमें लकड़ी लगेगी भी तो इसके अंदर ही जो दरार है ये पुट्टी से ही भरेगी ना। काम भी हो रहा है इसके जो अंदर लगती है लाइटिंग, वो कब लगाओगे इसके अंदर वाली? हाँ जी, जब पेंट का फाइनल हो जाएगा। अच्छा, पूरा पेंट फाइनल होने के बाद? ठीक है, फटाफट से घर जाते हैं। मानिया को सुला के आए थे, फिर अभी दिन का लंच भी तो बनाना है। मैं तो उठ गया हूँ, बोलो। मैं तो उठ गया हूँ, रिपेयर वाला काम हो रहा है दादी का। मैं तो उठ गया था पहले ही, मम्मा के साथ खेलू खेलू कर रहा था, मशीन को देख रही है मम्मी की। चल रही है यहाँ पे सिलाई। गोरी मैम तो आप हो, बोलो आप हो गोरी मैम तो बोलो दादी, आप हो गोरी मैम। और लंच बना के तैयार कर लिया है। लंच में बनाई है दाल, चावल और चटनी, पुदीने टमाटर लहसुन वाली चटनी, और यहाँ पे है सैलेड। अब हम सभी कर लेते हैं लंच, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। दिन का खाना खाने के बाद लेट गए थे, फिर उसके बाद अभी चल रही है शाम का स्नैक्स। तो यहाँ पे मैंने चिप्स तल लिए हैं और शाम की चाय। सो आज मैं ना परमल की सब्जी बना रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो जैसे मैं परमल की सब्जी बनाती हूँ ना, हमारे घर में सभी को बहुत पसंद आती है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। तो चलो शुरू करते हैं आज की परमल की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने परमल को ना इस तरीके से यहाँ पे अच्छे से धो के ऐसे काट लिया है लंबे साइज में। तो सभी के सभी परमल हम अच्छे से काटते हैं। यहाँ पे कट कर लिया है और कढ़ाई में तेल रख दिया है। अब मैंने अब परमल को हमने फ्राई करना है। सो तेल गरम कर लेते हैं, फिर उसे फ्राई कर लेंगे तेल में फ्राई होने के लिए। गैस की फ्लेम फुल रखेंगे और इसे ना पका लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से परमल को गोल्डन फ्राई कर लिया है। इसके बाद ना मैं इसे निकाल देती हूँ। अब 2 प्याज, हरी मिर्च, अदरक और 2 दाने टमाटर के। तो परमल को मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। अब सेम कढ़ाई में हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो अब ये जीरा,
जीरे को अच्छे से चटकने देंगे। फिर मैंने प्याज को काट लिया है, हरी मिर्च और अदरक को डाल देंगे। तो यहाँ पे प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मैंने दो टमाटर पीस लिए थे, इसकी प्यूरी डाल देंगे। अब इस ग्रेवी में हम डालते हैं मसाले। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दो चम्मच डाल रही हूँ जीरा और धनिया मसाला, हल्दी पाउडर, नमक डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग और इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। और इस टाइम पे मैं इसमें डाल दूंगी ये अमचूर पाउडर, थोड़ा सा ही डालना है, आधा चम्मच करीबन। अब हम इस मसाले को ना अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। अब इस ग्रेवी को हम बहुत अच्छे तरीके से पका लेंगे जब तक कि इसका पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ पे देख सकते हैं मसाला हमारा पक चुका है अच्छे से। तो इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे परमल और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मैंने यहाँ पे फ्लैश ऑन कर दिया है और ना इस टाइम पे हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जो कि मसाले हैं ना आपस में सब अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे परमल को अच्छे से मसालों के साथ पकने के लिए पानी डाल के 5 से 6 मिनट हम ढककर इसे पका लेंगे। उसके बाद हमारी ये सब्जी बनके ऑलमोस्ट तैयार है। तो अब हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे। चल रहा है अब हमारा डिनर, सब्जी रोटी खा रहे मम्मी। अरे ये परमल की सब्जी कैसे बनाई तूने आज इतने अच्छी? वो मैंने रेसिपी डाली है। हाँ कैसी हो रही है? बहुत ही। कितनी रोटी खाई आपने? 4। अभी भी पेट नहीं भर रहा है लेकिन आप खाओगे नहीं पेट ज्यादा हो जाएगा। पेट भर गया, इच्छा नहीं भर गई। अब तो मैंने खा लिया, प्लेट भर के लाई थी। अच्छा तो अब आप लोग भी ना बनाना ऐसे ही, परवल की सब्जी बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। और मानी देखिए कुंजी को मैंने खिला के सुला दिया है और मम्मी खा रहे हैं, मैं हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, अभी वो आते हैं तो खाते हैं हम लोग। चलो बाय बोल दे। इस ब्लॉग को ना यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ना हमारा ब्लॉग अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना, चैनल को बेल आइकन भी प्रेस कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि।